चैप्टर है रेस्पिरेशन। चैप्टर का नाम तो रेस्पिरेशन इन प्लांट्स है, मगर ये जो रेस्पिरेशन है ना, ये सभी ऑर्गेनिज्म के लिए कॉमन है। ठीक है, तो रेस्पिरेशन इन प्लांट के जो भी प्रोसेसेस हम पढ़ने वाले हैं वो सभी ऑर्गेनिज्म में मिलती है, तो कॉमनली खाली रेस्पिरेशन भी कह सकते हो तुम इसको। अब ये रेस्पिरेशन कौन सा वाला, वो ऐसा वाला नहीं है, ये कौन सा वाला रेस्पिरेशन की बात हो रही है, सेल्यूलर रेस्पिरेशन की बात हो रही है, सेल्यूलर रेस्पिरेशन। सेल्यूलर रेस्पिरेशन का मतलब क्या है, ब्रेक डाउन ऑफ फूड, क्या ब्रेक डाउन ऑफ फूड। अच्छा, इसी को हम क्या भी बोल सकते हैं, इसी को हम भी बोल सकते हैं ऑक्सीडेशन ऑफ फूड, क्या भी बोल सकते हैं ऑक्सीडेशन ऑफ फूड। अच्छा मुझे बताओ, ऑक्सीडेशन में दो चीजें हो सकती हैं, एक तो ऑक्सीजन ऐड हो सकता है, दूसरा हाइड्रोजन रिलीज हो सकता है। यहां क्या होता, ऑक्सीजन ऐड ना, यहां होता है हाइड्रोजन रिलीज, इसीलिए हम इसको डिहाइड्रोजिनेशन भी कह सकते हैं। ठीक है, हाइड्रोजन रिलीज हो रहा है तो हम इसको क्या भी बोल सकते हैं, ऑक्सीडेशन या फिर डिहाइड्रोजिनेशन। हमारे पास में एक फॉर्मूला है, या हम बोले एक रिएक्शन है, रिएक्शन क्या है, C6H12O6 प्लस 6O2 प्लस, यहाँ पे डैश रखना अभी के लिए, ठीक है, गिव्स CO2 प्लस H2O। ये हमारी सबसे कॉमन रिएक्शन है, किसके बारे में, रेस्पिरेशन के बारे में, जो हम बहुत पढ़ते हैं। ठीक है, मगर ध्यान दें यहाँ पर ये जो सबस्ट्रेट है हमारा, ये सबस्ट्रेट कौन है, ग्लूकोज है, और ग्लूकोज क्या है, एक कार्बोहाइड्रेट है। ठीक है, यानी कि रेस्पिरेशन का मेन सबस्ट्रेट कौन है, ग्लूकोज, और ग्लूकोज क्या है, एक कार्बोहाइड्रेट। तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि रेस्पिरेशन के मेन सबस्ट्रेट कौन है, कार्बोहाइड्रेट्स। ठीक है, ये कार्बोहाइड्रेट के अलावा भी सबस्ट्रेट हो सकते हैं, हम क्या बोलेंगे, सबस्ट्रेट्स ऑफ रेस्पिरेशन। एक तो क्या हो गया हमारा कार्बोहाइड्रेट, दूसरा हमारा क्या है फैट्स, और तीसरा हमारा क्या है प्रोटीन्स। इसके अलावा मैंने बताया था कुछ कुछ ऑर्गेनिजम्स में कौन भी होते हैं, ऑर्गेनिक एसिड्स भी होते हैं। ऑर्गेनिक एसिड का नाम कौन सा, ऑर्गेनिक एसिड है जो रेस्पिरेशन के अंडर को जाता है, कल ही पूछा था, मैलिक एसिड। इतनी जल्दी नहीं भूलना है रे, थोड़ा तो देर लगा है ना एक दो दिन का गैप ले। कार्बोहाइड्रेट में भी सबसे ज्यादा हम किसको यूज करते हैं, ग्लूकोज को यूज करते हैं। ग्लूकोज को यूज करने का मेन मोटो हमारा यही है, क्योंकि कार्बन और ऑक्सीजन क्या है, बराबर है, तो हमें ज्यादा ऑक्सीजन नहीं देने पड़ेंगे, इसीलिए हम ग्लूकोज को मेजरली यूज करते हैं। अगर ग्लूकोज ना हो तो हम स्टोर्ड फूड को भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, वो कार्बोहाइड्रेट को पहले हम ग्लूकोज में तोड़ेंगे, स्टोर्ड फूड, जैसे प्लांट्स की केस में हम क्या बोलेंगे, स्टार्च और सुक्रोज, स्टार्च और सुक्रोज। सुक्रोज क्या है, ट्रांसपोर्ट फूड, जो ट्रांसपोर्ट किया जाता है प्लांट्स में, और स्टार्च क्या है, स्टोर्ड फूड। ठीक है, दूसरा हमारा क्या होता है, फैट होता है, फैट भी एक टाइप का क्या है, ऑर्गेनिक कंपाउंड, यानी कि हम क्या बोलेंगे, हाइड्रोकार्बन। बस फर्क इतना है कि फैट में ऑक्सीजन का अमाउंट क्या होता है, बहुत ही ज्यादा कम होता है। फैट भी हमारी बॉडी में क्या है, एक स्टोरेज फूड मटेरियल है, स्टोर्ड फॉर्म ऑफ फूड क्या है, फैट। तो यहां पर ये दोनों क्या है, स्टोर्ड फूड, क्या है, स्टोर्ड फूड। और जब कभी भी किसी भी ऑर्गेनिज्म में स्टोर्ड फूड को ब्रेक डाउन किया जाएगा तो उसको हम बोलते हैं फ्लोटिंग रेस्पिरेशन, क्या बोलते हैं, फ्लोटिंग रेस्पिरेशन। फ्लोटिंग क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये साइटोप्लाज्म फ्लोट कर रहा है मटीरियल।
ठीक है, इसलिए हम क्या बोल देते हैं, फ्लोटिंग रेस्पिरेशन। ये कहाँ होगा, साइटोप्लाज्म में होगा, ठीक है, मगर ये कहाँ होगा, प्रोटोप्लाज्म में, यानी कि मेम्ब्रेन में है, स्ट्रक्चरल कंपोनेंट है हमारी सेल का। तो जब प्रोटीन को ब्रेक किया जाएगा तो उसको हम क्या बोलेंगे, प्रोटोप्लाज्मिक रेस्पिरेशन। क्या बोलेंगे, प्रोटोप्लाज्मिक रेस्पिरेशन। अब क्योंकि ये स्ट्रक्चर बना रहा है इसलिए इसको शुरू में तो नहीं तोड़ा जाएगा, इसको तोड़ा जाएगा एंड में, एंड में कब, जब सेल एकदम मरने वाली होगी, ठीक है। अच्छा, अब कुछ सीड्स होते हैं, जैसे कैस्टर सीड है, कोई भी लेग्यूम है, लेग्यूम की जो सीड्स होते हैं ना, उनमें प्रोटीन बहुत होता है कहते हैं हम, तो लेग्यूम की जो सीड्स जब जर्मिनेट करेंगे तो वो किसको तोड़ेंगे बताओ। लेग्यूम्स हैं, लेग्यूम के जो सीड्स होते हैं उनमें स्टोर्ड फूड क्या होता है, प्रोटीन, वो प्रोटीन को स्टोर करके रखते हैं, यानी कि लेग्यूम्स में क्या प्रेजेंट है, बहुत ज़्यादा प्रोटीन प्रेजेंट है, इसलिए तो दालें खाते हैं हम क्योंकि प्रोटीन मिलता है हमको उससे, है ना। अगर ये लेग्यूम का फूड जर्मिनेट करेगा तो ये एनर्जी रिक्वायर्ड होगी, इसकी एनर्जी रिक्वायर्ड होगी तो रेस्पिरेशन करना पड़ेगा। कौन सा रेस्पिरेशन करेगा, फ्लोटिंग रेस्पिरेशन या प्रोटोप्लाज्मिक रेस्पिरेशन। भले ही ये तोड़ प्रोटीन रहा है लेकिन प्रोटीन इसके लिए क्या है, स्टोर्ड फूड, और जब भी हम स्टोर्ड फूड को तोड़ेंगे तो हम उसको क्या बोलेंगे, फ्लोटिंग रेस्पिरेशन, ठीक है। क्योंकि ये वाला जो प्रोटीन है इसके यहाँ पर बैठ, ये इसकी मेम्ब्रेन या एंजाइम का कंपोजिशन नहीं है, ये साइटोप्लाज्म में ही है ये वाला प्रोटीन भी, तो ये भी तो साइटोप्लाज्म में फ्लोट कर रहा है, तो इसको भी हम क्या बोलेंगे, फ्लोटिंग रेस्पिरेशन। एग्जांपल कभी ऐसा पूछा जाए तो ध्यान देना, द प्रोटीन यूटिलाइज्ड ड्यूरिंग द जर्मिनेशन ऑफ प्लांट आर इंक्लूडेड अंडर, ऑप्शन होगा फ्लोटिंग रेस्पिरेशन, होगा प्रोटोप्लाज्मिक रेस्पिरेशन, होगा बोथ या नन ऑफ दीज, या एरोबिक या एनारोबिक, ऐसा भी हो सकता है, हो सकता है एनारोबिक लिखाओ फिर लिखाओ नन ऑफ दीज, तो ऐसे में एग्जाम्पल आंसर क्या होगा, फ्लोटिंग। प्रोटोप्लाज्मिक मत लिखना क्योंकि प्रोटीन भले टूट रहा है लेकिन वो क्या है, स्टोर्ड फूड है। दूसरा एनारोबिक मत लिखना, सीड तभी जर्मिनेट करते हैं जब ऑक्सीजन मिले उसको, वरना वो जर्मिनेट नहीं करते हैं, ठीक है। तो आंसर क्या होगा हमारा, फ्लोटिंग एरोबिक रेस्पिरेशन और फ्लोटिंग रेस्पिरेशन, इतना याद रहेगा पक्का। अब जो हमारे पास में ये तो क्या हो गए, ये हमारे सब्सट्रेट ऑफ रेस्पिरेशन है, नॉर्मली ये तीन है सब्सट्रेट ऑफ रेस्पिरेशन। कभी कभी हमारे पास ऑर्गेनिक एसिड भी होते हैं जिसमें से एक एग्जाम्पल क्या है, मैलिक एसिड। मैलिक एसिड किन के अंदर में, कैम प्लांट्स में, किन में, कैम प्लांट्स में, बस याद रहेगा। मैलिक एसिड से वैसे टूट करके क्या बनता था, मैलिक एसिड से टूटता था तो क्या निकलता था, कार्बन डाइऑक्साइड निकलता था। अब इसने क्या बोला कि भैया ऐसा है कि अब मैलिक एसिड को मैं तोड़ूंगी, पाइरूविक एसिड में तो बड़ा टाइम लगेगा हमको, कार्बन डाइऑक्साइड भी एक ही निकलता है, इससे बड़े मैलिक एसिड को पूरा ही तोड़ दो, तोड़ दो के तो जितने कार्बन डाइऑक्साइड है सब रिलीज हो जाएंगे एक साथ में, कार्बन डाइऑक्साइड फोटोसिंथेसिस के लिए भी मिल जाएगा, साथ ही साथ उसको तोड़ने में एनर्जी भी निकल जाएगी, एनर्जी भी मिल जाएगी हमको, दोनों काम एक साथ हो जाएंगे। मगर इसमें दिक्कत यही है एक कि जो इनिशियल सब्सट्रेट है वो हमको बार बार वापस मिलने वाला नहीं, ठीक है, याद रहेंगे, ओके, इतना हो गया है। फिर अब इसके बाद आगे जाते हैं कि ये जो प्लांट हैं इनमें जो रेस्पायर, प्लांट क्या है, एनिमल क्या है, जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं इनमें रेस्पायरेशन कितने टाइप का है, दो टाइप का है। रेस्पायरेशन मेजरली कितने टाइप का होता है, दो टाइप का, आर ई एस पी आई आर ए टी आई ओ एन। रेस्पायरेशन कितने टाइप का होता है, दो टाइप का, दो टाइप का किसके बेसिस पे बोल रही हूँ मैं, दो टाइप का ऑन द बेसिस ऑफ अवेलेबिलिटी ऑफ ऑक्सीजन, ऑन द बेसिस ऑफ अवेलेबिलिटी ऑफ ऑक्सीजन। यहाँ पर भी कितने टाइप का है, दो टाइप का, मगर ऑन द बेसिस ऑफ द सबस्ट्रेट है, ठीक है। यहाँ पर रेस्पिरेशन दो, फ्लोटिंग और प्रोटोप्लाज्मिक, लेकिन ऑन द बेसिस ऑफ सबस्ट्रेट। यहाँ पर दो, लेकिन ऑन द बेसिस ऑफ ऑक्सीजन अवेलेबिलिटी। एक है एरोबिक रेस्पिरेशन, और दूसरा है एनएरोबिक, ए एन ए ई आर ओ बी आई सी, एनएरोबिक रेस्पिरेशन। एरोबिक रेस्पिरेशन अप्रोक्सीमेटली सारे के सारे किन में होता है, ऑर्गेनिजम्स में, मेजरली हम क्या बोलेंगे, यूकैरियोट्स में एंड सम बैक्टीरिया, सम
यूकेरियोट्स के अलावा बैक्टीरिया तो बचे ना, तो यूकेरियोट्स में तो होता है एरोबिक रेस्पिरेशन, और उसके अलावा किन में होता है, कुछ बैक्टीरिया में क्या होता है एरोबिक रेस्पिरेशन। अगर एनारोबिक रेस्पिरेशन की बात करेंगे तो ये होता है सम बैक्टीरिया कॉमा यीस्ट एंड मसल्स ड्यूरिंग एक्सरसाइज, हमेशा नहीं सिर्फ ड्यूरिंग एक्सरसाइज, या फिर हम बोलेंगे इन द अनअवेलेबिलिटी ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, यानी कि आप अगर ऑक्सीजन होगी तो कौन सा रेस्पिरेशन होगा, एरोबिक ऑक्सीजन प्रेजेंट, अगर ऑक्सीजन नहीं होगी तो कौन सा रेस्पिरेशन होगा, एनएरोबिक ऑक्सीजन एब्सेंट। ठीक है, अगर एरोबिक रेस्पिरेशन हुआ तो फूड का कंप्लीट ब्रेकडाउन होगा कि इनकम्प्लीट ब्रेकडाउन होगा, कंप्लीट। अब यहाँ देखो, एक तो क्या होता रहेगा, ऑक्सीजन की अवेलेबिलिटी होगी यहाँ और ऑक्सीजन की अवेलेबिलिटी नहीं होगी एनएरोबिक वाले में। अच्छा, एक और बात, अगर ऑक्सीजन होगा तो फूड का कंप्लीट ब्रेकडाउन होगा कि इनकम्प्लीट ब्रेकडाउन होगा, बताओ। ऑक्सीजन अगर है तो फूड का कंप्लीट ब्रेकडाउन होगा, तो यहां पर क्या होगा, कंप्लीट ब्रेकडाउन, कंप्लीट ब्रेकडाउन। लेकिन जब फूड, जब ऑक्सीजन एब्सेंट होता है उस समय पर फूड का कैसा ब्रेकडाउन होता है, इनकम्प्लीट, इनकम्प्लीट ब्रेकडाउन होता है। ठीक है, अब अगर फूड का कंप्लीट ब्रेकडाउन होगा तो कंप्लीट ब्रेकडाउन होने की वजह से क्या निकलेगी, एनर्जी निकलेगी, तो एनर्जी ज्यादा निकलेगी कि कम निकलेगी, एनर्जी ज्यादा निकलेगी, तो इस वाली में एनर्जी होती है ज्यादा, ट्राइंगल से दिखा देती हूँ, एनर्जी क्या है ज्यादा, लेकिन एनारोबिक वाले में एनर्जी की जो वैल्यू है वो है कम। ठीक है, एक और बात, ये जो हमारा एरोबिक रेस्पिरेशन है, एरोबिक रेस्पिरेशन में जो एंड प्रोडक्ट होता है, आ जा भाई राज, एरोबिक रेस्पिरेशन में एंड प्रोडक्ट क्या होता है, CO2 प्लस H2O, ये दोनों क्या है, एंड प्रोडक्ट्स हैं। ठीक, लेकिन एनारोबिक रेस्पिरेशन में ये दोनों एंड प्रोडक्ट नहीं होते, बल्कि एंड प्रोडक्ट होते हैं दो, एक होता है हमारा इथेनॉल, या हम बोले इथाइल अल्कोहल, इथाइल अल्कोहल होगा तो इसके साथ क्या भी रिलीज होगा, एक मॉलिक्यूल कार्बन डाइऑक्साइड भी रिलीज होगा, या फिर दूसरा क्या हो सकता है, लैक्टिक एसिड, लैक्टिक एसिड के यहाँ कुछ रिलीज नहीं होगा। ठीक है, अब अगर हम एनर्जी की बात करें तो एरोबिक वाले में ना 36 या 38 ATP रिलीज होती है, कितनी होती है, 36 और 38 ATP। अगर मैं इनकी वैल्यू निकालू ना तो ये अप्रोक्सीमेटली 686 किलो कैलोरी के करीब आएगा, किसके करीब आएगा, 686 ना, हाँ 686 किलो कैलोरी के करीब आएगा, जो वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी, 686 किलो कैलोरी, इतनी एनर्जी रिलीज होगी, इतनी हीट रिलीज होगी। लेकिन यहाँ पर इसका 7% ही रिलीज होता है, बस दोनों में 7% से भी कम, लेस देन 7%, तो ये बहुत ही ज़्यादा एफिशिएंट प्रोसेस है और ये बहुत ही कम एफिशिएंट प्रोसेस है, समझ में आई बात है। ये किस किस का कंपैरिजन हो गया हमारा, एरोबिक और एनारोबिक का कंपैरिजन। ठीक हो गया, फिर इतना बहुत है। एक और पॉइंट है, वो मैं लास्ट में बताऊंगी, लाइन छोड़ देना उसके लिए, वो जब तुम NADH का ऑक्सीडेशन समझ लोगे तब बताया जाएगा, तब समझ में आएगा, जब मेरे को याद दिलाना फर्मेंटेशन के समय पर मैं बताऊंगी। ठीक है, एक बार इसको नोट कर लो। चलो, इतनी बातें आ गई हैं, इतनी बातों में से किसी बात में कोई भी समस्या है, कोई भी दिक्कत है तो पूछ लो भैया, कोई दिक्कत, नो दिक्कत, एक बात बतानी, क्या बतानी है, जब ये ऑक्सीडेशन होता है, ऑक्सीडेशन किसका हो रहा है, फूड का, यानी क्या हाइड्रोजन को क्या करना है, हमने रिलीज करना है, तो अगर सारे के सारे ये जब रिलीज होते हैं तो यहाँ पर दो चीज़ें बनती हैं,
एक तो बनती है एटीपी, जब हाइड्रोजन रिलीज होता है तो दो चीजें बनती है, एक बनती है एटीपी और दूसरी बनती है हीट। ठीक है, हमने एक फिजिक्स में थर्मोडायनेमिक्स पढ़ लिया तुम लोगों ने, तो एक थर्मोडायनेमिक्स का लॉ आता है कि कोई भी ऐसी मशीन नहीं हो सकती जो 100% एफिशिएंट हो, एफिशिएंट हो, है ना, कार्नोट इंजन का एग्जांपल है उसमें। तो कोई भी ऐसी मशीन नहीं हो सकती जो 100% एफिशिएंट हो, बॉडी भी तो एक टाइप की मशीन है, सेल भी एक टाइप की मशीन मान सकते हैं, मशीन मतलब जहाँ कुछ रिएक्शन हो रही है। ठीक है, तो ये भी 100% एफिशिएंट होकर के सारा का सारा एटीपी नहीं बदल सकती, और अगर ऐसा करने लग गई तो हमें दिक्कत हो जाएगी क्योंकि हमारी बॉडी को हीट की भी ज़रूरत है। इसलिए एटीपी तो बनती है, लेकिन एटीपी के साथ साथ क्या भी बनती है, हीट भी बनती है, और हीट ज़्यादा बनती है। एटीपी के कंपैरिजन में हीट क्या होती है, ज़्यादा बनती है। अब अगर ये हीट सारी की सारी रिलीज हो गई एक ही बार में, तो फिर तो क्या रहेंगे, खड़े खड़े इवेपोरेट। ठीक है, क्या हो जाएंगे, खड़े खड़े इवेपोरेट। इसीलिए मल्टी स्टेप प्रोसेस बनी हुई है, इवोल्यूशन ही हमारा ऐसे हुआ है कि हमारी बॉडी उस टेम्परेचर को झेल सके, उतना ही टेम्परेचर रिलीज हो एक बार में जितना हमारी बॉडी सहन कर सके। ठीक है, ऐसा नहीं बॉडी के अंदर सारे हाइड्रोजन जलाए और एकदम जलता सा बम बन गए, ऐसा नहीं कर सकते हैं क्योंकि बॉडी की मैकेनिज्म इसको सूटेबल, इसको सूट नहीं करेगी, बॉडी ही सूट नहीं करेगी। तुम्हारी बॉडी में सारे हाइड्रोजन एक साथ जला दूंगी मैं, याद रखोगे फिर तुम। चलो, इतनी बातें समझ में आती हैं। जो यहाँ पर हमें हीट हो रही है, जो एनर्जी मिल रही है, एक तो काहे से मिल रही है, हाइड्रोजन के रिलीज होने के से, साथ ही साथ ये काहे से मिल रही है, कार्बन और कार्बन के बॉन्ड के टूटने से। कार्बन और कार्बन के बॉन्ड टूटेंगे तो उसकी वजह से हमको क्या मिलेगी, एनर्जी, हीट मिलेगी, और साथ साथ ही क्या भी हो रहा है, हाइड्रोजन भी रिलीज हो रहा है। जैसे अगर तुम फॉर्मूला देखोगे, सबसे सिंपल फॉर्मूला किसका है, ग्लूकोज का है ना, इसमें से खाली हाइड्रोजन ही तो हटाने, मैंने अगर हाइड्रोजन हटा दूंगी तो कार्बन डाइऑक्साइड बन जाएगा मेरा, थोड़ा हाइड्रोजन हटाऊंगी थोड़ा ऑक्सीजन जोड़ दूंगी। लेकिन हमारा जब हम रिडक्शन, जब हम रेस्पिरेशन की बात करते हैं, तो हम किसको ज़्यादा कंसिडर करते हैं, हाइड्रोजन के हटाने को कंसिडर करते हैं। ठीक है, ऑक्सीजन का एडिशन तो बहुत लेट होता है, जब कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हो रही है ना, तब ऑक्सीजन ऐड भी नहीं हो रही है, समझ में आ रही, ऑक्सीजन ऐड बहुत बाद में होती है, उनका काम ही नहीं है ना, उसका काम ग्लाइकोलाइसिस में है ना, उसका काम क्रेब्स साइकिल में, एंड में होता है उसका काम। तो यानी कि ये कार्बन डाइऑक्साइड का रिलीज होना तो कहीं से भी ऑक्सीजन पर डिपेंडेंट है ही नहीं, तो इसलिए हम ऑक्सीजन को जुड़ना नहीं कह सकते, हम क्या बोल सकते हैं, सिर्फ हाइड्रोजन का निकलना, क्योंकि हाइड्रोजन ही निकल रहा होता है। समझ में आ रही बात, इतना चल जाएगा। अब हम पढ़ते हैं कि क्या प्लांट भी ब्रीदिंग करते हैं जैसे हम करते हैं, क्या प्लांट भी ब्रीदिंग करते हैं जैसे हम ब्रीदिंग करते हैं, या फिर प्लांट कुछ और करते हैं, बताओ। डू प्लांट्स ब्रीथ, तुम्हारे बुक में हेडिंग है डू प्लांट्स ब्रीथ, यस ओके, ब्रीथ करना मतलब एक अच्छा खासा अमाउंट में एक्सचेंज करना, एक्सचेंज होती है, मैं बोल रही हूँ एक अच्छा खासा अमाउंट, मतलब एक कंसिडरेबल अमाउंट की बात हो रही है। रात दिन में पोर्स से भी नहीं करते क्या, अच्छा प्लांट्स को रिक्वायरमेंट है किसी ऐसे मैकेनिज्म की गैसियस एक्सचेंज के लिए जैसे हमारी बॉडी के अंदर है, ये बताओ। हमारी बॉडी के अंदर गैसियस एक्सचेंज के लिए पूरा एक रेस्पिरेटरी सिस्टम बना हुआ है, क्या प्लांट्स को भी ऐसे किसी सिस्टम की रिक्वायरमेंट है या नहीं है, ज़्यादा अच्छे से इस शब्द से समझ सकते हो तुम, प्लांट को ऐसे किसी सिस्टम की रिक्वायरमेंट है या फिर नहीं है, बताओ। नहीं, क्यों नहीं, नहीं बना तो सिर्फ लीव रही है, डिस्ट्रीब्यूट, वही तो कह रही हूँ, डिस्ट्रीब्यूशन की किसी सिस्टम की जरूरत है कि नहीं है। ब्रीथ करने का मतलब मैं कह रही हूँ कि गैसेस एक्सचेंज जो हो रहा है पूरा का पूरा, हर बॉडी के हर एक सेल के हर एक पार्ट तक पहुँचाना, क्या उसके रिक्वायरमेंट प्लांट्स में है कि नहीं है, नहीं है। क्यों नहीं है, सुनना, पहली बात, प्लांट्स के पास में हमारे जैसे कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर्स नहीं है। कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर्स के मेरा मतलब है मसल्स और नर्व्स। हमारी बॉडी में सबसे ज़्यादा एनर्जी अगर कोई चीज़ लेती है वो है मसल्स और दूसरी है नर्व्स। इसके अलावा बाकी सेल्स के लिए एनर्जी की रिक्वायरमेंट बहुत कम है, तो प्लांट्स में तो ये है ही नहीं। इसका मतलब प्लांट्स में जो रिक्वायरमेंट है रेस्पिरेशन की वो क्या है, बहुत ही ज़्यादा कम है। अब पहली बात तो ये हो गई कि रेस्पिरेशन की जो रिक्वायरमेंट होती है
वो क्या होते हैं प्लांट्स में बहुत ही ज़्यादा कम, क्योंकि प्लांट्स को ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत ही नहीं है, इसलिए उनमें कोई रेस्पिरेटरी ऑर्गन नहीं है। ब्रीथ नहीं करने का मतलब मैं कहना चाह रही हूँ रेस्पिरेटरी सिस्टम या रेस्पिरेटरी ऑर्गन होना, जैसे हमारे पास लंग्स हैं, नहीं है उनके पास में, क्योंकि उनको रिक्वायरमेंट नहीं है। ठीक है, दूसरी बात, जो प्लांट्स होते हैं वो अपने लोकल लोकल रेस्पिरेशन को खुद ही कंट्रोल करते हैं। जैसे लीव्स हैं, लीव्स क्या करती हैं, दिन में अपना जो वाटर होता है वाटर को इवेपोरेट करने के लिए गार्ड सेल्स को खोलती हैं, फुलाती हैं, यानी कि स्टोमेटा क्या होता है, ओपन होता है। एज अ रिजल्ट ऑक्सीजन कहाँ जाती है, बाहर, और कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ जाती है, अंदर। और अंदर ये कार्बन डाइऑक्साइड किसको प्रोड्यूस करती है, ऑक्सीजन को। तो दे टाइम पर तो लीफ की सेल्स को जरूरत नहीं है, क्योंकि ऑक्सीजन ऑलरेडी बन रहा है। जितनी ऑक्सीजन बन रही है उसमें से बहुत कम यूज करती है प्लांट, ज्यादा से ज्यादा तो बाहर फेंक दे रही है ना, जितना चाहिए उतना ही यूज करेंगे, बाकी सबको बाहर फेंक देंगे। ये किसकी बात हो गई है, डे टाइम की बात हो गई। और नाइट टाइम पर भी इसका रिवर्स होता है, ऑक्सीजन अंदर आती है और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर जाती है, मगर उसका अमाउंट बहुत कम होता है हमारे कंपेरिजन में। यहाँ पर जो गैसियस एक्सचेंज होता है उसका अमाउंट क्या होता है, बहुत ही कम, क्योंकि अगर ऑक्सीजन की नीड ज्यादा थी तो दिन में ही अपना सारा ऑक्सीजन यूज कर लेती बाहर की व्यक्ति, समझ में आ रही है। ऑक्सीजन की नीड क्या है इनकी, बहुत ही ज्यादा कम है। लीव्स अपना रेस्पिरेशन खुद कर रहे हैं, स्टेम अपना रेस्पिरेशन खुद करता है, किसकी मदद से, पोर्स को नाम क्या बोलते हैं, लेंटिकल्स, कई जगह लेंटिसेल्स सुनेगा तुमको, लेकिन ठीक है लेंटिकल्स, लेंटिसेल्स जो भी बोलो तो ठीक है। इनको क्या बोलते हैं, लेंटिकल्स। लेंटिकल्स क्या है, हमारा जो स्टेम है, स्टेम में क्या होते हैं, ऐसे सेल्स थोड़ा दूर दूर हो जाती हैं कई कई जगहों पर, और उसकी वजह से क्या बन जाता है, एक गैप टाइप का बन जाता है, उनको हम क्या बोलते हैं, लेंटिकल्स। पोर्स नहीं बोलेंगे हम, पोर्स मतलब होता है होल, ये पोर नहीं है, ये क्या है, एक थर्माकोल है, एक साइड से मारो तुम मुक्का, दूसरी साइड से थोड़ा उखड़ करके निकल जाएगा ना, तो एक थोड़ा गड्ढा टाइप का बन जाएगा, गैप बन जाएगा सेल्स के बीच में, बहुत ज़्यादा बाहर की सेल्स तो चली जाएंगी और जो बीच में सेल्स बचे उनके बीच में क्या बन जाएगा, थोड़ा सा गैप बन जाएगा, तो वहाँ से ये सांस ले लेंगे स्टेम वाला पार्ट। और रूट वाला पार्ट तो सॉइल के साथ में एक्सचेंज कर रहा होता है बाय दैट प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन। तो ये जो तीनों के तीनों पार्ट हैं, तीनों के तीनों जो ऑर्गन हैं प्लांट में, वो अपना अपना थोड़ा थोड़ा गैसेस एक्सचेंज खुद ही कर रही है। तो मुझे क्या लीफ से स्टेम पर पहुंचाने की कोई जरूरत है ऑक्सीजन को, या कार्बन डाइऑक्साइड को स्टेम से लीफ में ले जाने की जरूरत है, कोई कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि लीफ अपना देख रही है, स्टेम अपना देख रहा है, उन्होंने बोला तुम अपना करो हम अपना करेंगे। इसीलिए कभी भी जब तुम ट्रांसपोर्ट ऑफ प्लांट बढ़ते हो तो तुम वाटर बढ़ते हो, फूड बढ़ते हो, कभी भी गैसेस का ट्रांसपोर्ट नहीं बढ़ते हो, तुम लोग गैसेस का ट्रांसपोर्ट नहीं बढ़ते हो, क्योंकि नहीं होता है। दो रीजन ये हो गए। तीसरा रीजन ये है कि मान लो प्लांट का जो स्टेम बहुत ही मोटा है, लेंटिकल्स अगर होंगे भी तो लेंटिकल्स ज्यादा से ज्यादा यहाँ यहाँ तक पहुँचा पाएंगे गैस को, इसके अंदर की सेल्स मर जाएंगी, फिर क्या होगा, कुछ नहीं होगा, अंदर की सेल ऑलरेडी मरी होती है। अंदर के पार्ट को हम क्या बोलते हैं, वुड बोलते हैं, और वुड पार्ट क्या होता है, डेड होता है, याद है, अंदर का पार्ट पूरा का पूरा डेड होता है करके, है ना, जाइलम वाला पूरा पार्ट क्या होता है, डेड होता है, सिर्फ बाहर के फ्लोएम वाला पार्ट ओपन होता है, फ्लोएम वाला पार्ट लिविंग होता है, उसमें भी प्राइमरी फ्लोएम तो खत्म हो जाता है सेकेंडरी ग्रोथ के ड्यूरेशन में, सिर्फ कौन बचता है, सेकेंडरी फ्लोएम बचता है, और सेकेंडरी फ्लोएम के जस्ट बाहर कौन है, कॉर्टेक्स है, कॉर्टेक्स में कौन सी सेल्स होती हैं, पैरेन्काइमा की सेल्स, और पैरेन्काइमा की सेल्स के बीच बीच में क्या होता है, बहुत ही ज़्यादा गैप, तो लेंटिकल से हवा आई और यहाँ फैल गई रेडियली, इन गैप्स के बीच में क्या हो गई, ये एयर फैल के बीच में बने हुए एयर सैक, और इन्हीं एयर सैक से ये वाली सेल्स भी अपना गैस ले लेंगी, और अगर यहाँ सेकेंडरी फ्लोइंग वाली कुछ सेल्स हैं तो ये भी अपना गैस ले लेंगे, है ना, तो इनको कोई जरूरत है नहीं, समझ में आ रही है। तो ये क्या करेंगी, सिर्फ अपना लोकल लोकल गैसेस एक्सचेंज करेंगी, जो जिंदा है उसको गैस देंगी और अपना काम निकालेंगे, तो इनके अंदर कोई सिस्टम की रिक्वायरमेंट है नहीं प्रेजेंट, समझ में आ रही बात। यहाँ जो जिसकी सेल्स बाहर उखड़ी हुई रहती है, इस पार्ट को हम क्या बोलते हैं, बार्क, किसकी सेल्स उखड़ी रहती हैं, बार्क की, बार्क के थोड़ा अंदर में क्या मिल जाता है, कॉर्टेक्स मिल जाता है ना, कॉर्टेक्स में पैरेन्काइमा है, गैसेस एक्सचेंज अपना खुद ही कर लेगा, कोई रिक्वायरमेंट है किसी चीज़ की, कोई रिक्वायरमेंट नहीं, समझ में आ गई बात। तो प्लांट को किसी रेस्पिरेटरी ऑर्गन की, रेस्पिरेटरी सिस्टम की रिक्वायरमेंट नहीं है, क्योंकि तीन काम है, एक तो एनर्जी बहुत कम चाहिए, अगर ये दोनों होता भी लेकिन एनर्जी की रिक्वायरमेंट बहुत हाई होती तो करना पड़ता, फिर इतना गैसेस एक्सचेंज नहीं कर सकते लेंटिकल्स या फिर स्टोमेटा, ठीक है।
तो तब हमें करना पड़ता है, लेकिन ये भी कम है, ये तीनों अपना अपना खुद झेल रही है। साथ साथ प्लांट का अंदर का पार्ट रोटेट है, बाहर वाले को मिल जा रहा है कॉर्टेक्स की वजह से, एयर सैक बने हुए अंदर, उनकी वजह से उनको क्या मिल जा रहा है, ऑक्सीजन मिल जा रहा है। तो हर सेल का कोई ना कोई एक पार्ट तो हमेशा गैस के कॉन्टेक्ट में है ही है, तो सिंपल डिफ्यूजन के थ्रू क्या कर लेगा, वो अपना गैसेस एक्सचेंज कर लेगा, किसी रेस्पिरेटरी सिस्टम की उसको जरूरत पड़ने वाली नहीं है। ठीक है, अब हम आते हैं मेन टॉपिक के ऊपर पे, ये है ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज। ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज ही क्यों पढ़ रहे हैं, क्योंकि हमारे जो मेजर बॉडी के अंदर सब्सट्रेट होता है जिसका ब्रेक डाउन होता है रेस्पिरेशन के दौरान, वो किसका होता है, ग्लूकोज का होता है। इसीलिए हम ग्लूकोज से शुरू करेंगे, एंड में एक जगह हम सब सब्सट्रेट को तोड़ करके उसे साइकिल के अंदर मर्ज करेंगे। ठीक है, सबसे पहले हमारा आपका टॉपिक क्या हो गया, ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज। अब ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज में है तीन स्टेप्स, डिपेंड भी करता है ऑर्गेनिज्म के ऊपर। ये ऑन किया मैंने, ऑफ ये देखता, रेड है। ठीक है, क्या है, ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज, ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज। ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज में कितने स्टेप हैं बोला हमने, तीन स्टेप हैं। सबसे पहला स्टेप है ग्लाइकोलिसिस। फर्स्ट स्टेप क्या है, मार्कर्स कहाँ हैं सारे, सबसे पहला स्टेप है ग्लाइकोलिसिस। ओ शिट, वैसे चार पार्ट मान सकते हैं हम इसमें, एक स्टेप तो तीन है मगर पार्ट चार है, रेस्पिरेशन के अंदर चार चीजें होती है। ठीक है, सबसे पहला क्या है, ग्लाइकोलिसिस। थर्ड है क्रेब्स साइकिल, अभी आएगा। फर्स्ट है ग्लाइकोलिसिस और थर्ड कौन है, क्रेब्स साइकिल। सेकेंड आता है लिंकिंग स्टेप या लिंकेज स्टेप, जो इन दोनों को जोड़ता है। ठीक है, क्या बोलेंगे हम, लिंकेज स्टेप। अच्छा मुझे बताओ, ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज या इनकी ऑक्सीडेशन ऑफ फूड एक्सोथर्मिक प्रोसेस है कि एंडोथर्मिक प्रोसेस है, एक्सोथर्मिक प्रोसेस है। एक्सोथर्मिक प्रोसेसेस के लिए हमने एक ग्राफ पढ़ा था, पढ़ा था भैया, सबस्ट्रेट फिर इंटरमीडिएट या ट्रांजिशन स्टेट, उसके बाद में प्रोडक्ट, क्या था वो ग्राफ, एंजाइम में पढ़ा था, एक ऐसा ग्राफ बनता था जिसमें यहाँ पर क्या होता था, सबस्ट्रेट, सबस्ट्रेट पहले कहाँ जाता था, ट्रांजिशन स्टेट में, और फिर कहाँ आता था, प्रोडक्ट में। अगर प्रोडक्ट की एनर्जी सबस्ट्रेट से कम हो गई तो ये कैसी रिएक्शन हो गई, एक्सोथर्मिक। अगर प्रोडक्ट की एनर्जी ज्यादा होती थी तो क्या बोलते थे, एंडोथर्मिक। यानी कि इस रिएक्शन को होने के लिए या फिर किसी भी केमिकल रिएक्शन को होने के लिए जो एक्सोथर्मिक हो, हमेशा क्या होना चाहिए, पहले एक अनस्टेबल ट्रांजिशन स्टेट आनी चाहिए, पहले क्या आनी चाहिए, एक अनस्टेबल ट्रांजिशन स्टेट। और यही होता है हर एक में, अनस्टेबल ट्रांजिशन स्टेट्स को लाया जाता है बाय द प्रोसेस ऑफ एंजाइमेटिक रिएक्शंस। ठीक है, अब हम स्टार्ट करेंगे किसको, ग्लाइकोलिसिस को। ये बताना आज तुम्हारा काम है क्योंकि कल मैंने बताया।